দেখুন এর আগেও আমি বললাম যে মাদারী হাটের এবং আমার বুথের আমার বাগানের সবাই দুই হাত ধরে আশীর্বাদ করেছে, তো এইবারও আমাদেরকে দুই হাত ধরে আশীর্বাদ করবে এবং যেটা 200 ঊর্ধ্বে যেটা সিট হবে সেখানে মাদারী হাটেরও সিট থাকবে। কোনো গোটি ইস বার হাল কেসা হ্যায় পিছলে দেখিয়ে जब पूरा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का हवा था उस समय यहाँ का जनता ने हमें दो हाथ उठा करके आशीर्वाद किया और मैं 22,038 वोट से जीत करके पश्चिम बंगाल विधानसभा में पहुँचा। और उस समय हम लोग तीन थे, मैं यहाँ मादारी हाट से मैं था और आपका वहाँ वैष्णव नगर से साधिन कुमार सरकार और खड़गपुर सदर से हमारे राज्य सभापति श्री दिलीप घोष जी थे। लेकिन इस बार का माहौल कुछ और है, पश्चिम बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार एक परिवर्तन, असल परिवर्तन, परिवर्तन 1977 में भी हुआ था, परिवर्तन 2011 में भी हुआ, लेकिन वह परिवर्तन केवल चेयर और झंडा का हुआ। हम लोग इस बार चाहते हैं कि झंडा और चेयर का तो परिवर्तन हो लेकिन वह परिवर्तन समाज के अंदर दिखे कि सही मायने में परिवर्तन हुआ है। उसीलिए लोगों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। जिस तरह से मोदी जी ने दिल्ली में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं, उसी मूल मंत्र पर पश्चिम बंगाल में काम होगा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पर। इसी मंत्र पर विश्वास रखते हुए पश्चिम बंगाल के जनता ने मन बना लिया है कि हम आने वाले समय में ये जो 2021 तो जो आज यहाँ पर चौथा दफा का वोट आ रहा है और जब 2 मई को खुलेगा तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएगी और जो विश्वास जनता ने जताया वो विश्वास पर खड़ा उतरेगा भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर इशू क्या है, क्लोज बगान है ना यहाँ पर? देखिए यहाँ पर चाय बगान बंद, चाय बगान बीमार, चाय बगान खुला है लेकिन बीमार है, जमीन का पट्टा है, ऐसे बहुत सारे, विशेष करके यह तराई डुवर्स जो क्षेत्र है या ट्रिपल टी हम लोग जिसके टी टिम्बर और टूरिज्म पर डिपेंड करता है, लेकिन कोई भी सरकार यहाँ पर आया है, हम तो कांग्रेस के समय जन्मे नहीं थे लेकिन वामपंथियों को कुछ देखा और 10 साल से हम TMC को भुगत रहे हैं। उन्होंने उत्तर बंगाल और चाय बगान पर विशेष करके कोई ध्यान नहीं दिया और चाय बगान जो है या उत्तर बंगाल का रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और जो अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका, जो विदेश से जो विदेशी मुद्रा आता है उसमें चाय का बहुत बड़ा भूमिका है। लेकिन हम लोग सब समय देखें चाहे वामपंथी रहा हो या TMC रहा उत्तर बंगाल के, और चाय बगान के ऊपर में उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे दिल्ली में हो या आने वाला समय में पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में बनेगी सरकार। दिल्ली में देखिए पहली बार जो है कोई भी सरकार 1,000 करोड़ रुपया का पैकेज सीधे चाय बगान में काम करने वाले श्रमिकों और उनके डिपेंडेंट के लिए दिया है। इस प्रकार का पैकेज विगत कोई भी सरकार ने नहीं दिया है। तो हमारा यह जो मुद्दा है आने वाले समय में, क्योंकि हम चाय बगान खोलना चाहते हैं, क्योंकि यह चाय बगान का दो है, एक जो है टी बोर्ड देखता है, दूसरा बंगाल गवर्नमेंट, जो टी बोर्ड केंद्र सरकार का है वो डेवलपमेंट पार्ट देखना है, लेकिन जो लेबर और लीगल जो डिपार्टमेंट है वो राज्य सरकार को देखना चाहिए और चाय बगान के लिए केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर के काम करना चाहिए। केंद्र काम करने के लिए तैयार है लेकिन राज्य सरकार की असहयोगिता के कारण ही आज चाय बगान की यह अवस्था है। इसलिए हम चाय बगान में यह स्लोगन रखे हैं कि दिल्ली में भी मोदी जी का सरकार और पश्चिम बंगाल में भी मोदी जी का सरकार बनती है तो यह बंद बगान, मिनिमम वेज जमीन का पट्टा हम करके देंगे। फूदर्श, एक सक्रिय दिन के लिए ताजा स्वाद, सभी प्रकार के CTC चाय और ग्रीन टी, सभी प्रकार के ग्रेड ऑर्गेनिक और प्रीमियम चाय की विस्तृत श्रृंखला के साथ जयगांव में निकटतम दुकानों पर उपलब्ध है। फूदर्श डुआर्स और सिक्किम में भी उपलब्ध है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए संपर्क करें 9547004803 या ईमेल करें horasproducts@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.foodarsh.com।